أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء إن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला. तर्जुमा सूरह बकरह 26वां रुकू. बनी इसराइल से पूछो, हमने कितनी रोशन निशानियां उन्हें दी, और जो अल्लाह की आई हुई नियमत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है. काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी सजाई गई और मुसलमानों से हंसते हैं, और डर वाले उनसे ऊपर होंगे कयामत के दिन, और खुदा जिसे चाहे बेगिनती दे. लोग एक दीन पर थे, फिर अल्लाह ने नबी भेजे खुशखबरी देते और डर सुनाते, और उनके साथ सच्ची किताब उतरी कि वह लोगों में उनके मतभेदों का फैसला कर दे, और किताब में मतभेद उन्हीं ने डाला जिनको दी गई थी, बाद इसके कि उनके पास रोशन हुक्म आ चुके. आपस की सरकशी से तो अल्लाह ने ईमान वालों को वह सच्ची बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए.
क्या इस गुमान भ्रम में हो कि जन्नत में चले जाओगे और कभी तुम पर अगलों की सी रुदाद वृतांत न पहुंची, उन्हें सख्ती और शिद्दत कठिनाई और हिला हिला डाले गए, यहाँ तक कि कह उठा रसूल, और उसके साथ के ईमान वाले कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वह माँ बाप और यतीमों और मोहताजों दरिद्रों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। तुम पर फर्ज हुआ अल्लाह की राह में लड़ना और वह तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वह तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वह तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तफसीर सूरह बकरह 26वां रुकू। कि उनके नबियों के चमत्कारों को उनकी नबुव्वत की सच्चाई का प्रमाण बनाया, उनके इरशाद और उनकी किताबों को दीने इस्लाम की हक्कानियत और इसके सच्चे होने का गवाह किया। अल्लाह की नियमत से अल्लाह की आयतें मुराद है, जो मार्गदर्शन और हिदायत का कारण है, और उनकी बदौलत गुमराही से छुटकारा मिलता है। उन्हीं में से वो आयतें हैं जिनमें सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और गुणगान और हुजूर की नबुव्वत व रिसालत का बयान है। यहूदियों और ईसाइयों ने इस बयान में जो तब्दीलियां की हैं, वो इस नियमत की तब्दीली है। वो इसी के कद्र करते हैं और इसी पर मरते हैं, और दुनिया की माया से उनकी अरुचि देखकर उनको तुच्छ समझते हैं, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद और अम्मार बिन यासिर और सुहैब और बिलाल रदियल्लाहे अन्हुम को देखकर काफिर मजाक उड़ाया करते थे, और दुनिया की दौलत के घमंड में अपने आप को ऊंचा समझते थे। यानी ईमान वाले कयामत के दिन जन्नत के ऊंचे दर्जों में होंगे और घमंडी काफिर जहन्नम में जलील और ख्वार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत नूह के एहद तक सब लोग एक दीन और एक शरीयत पर थे, फिर उनमें मतभेद हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। ये रसूल बनाकर भेजे जाने वालों में पहले हैं। खाजिन ईमान वालों और फरमानबरदारों को सवाब की, मदारिक और खाजिन काफिरों और नाफरमानों को अजाब का। खाजिन जैसा कि हजरत आदम व शीस व इदरीस पर सहीफे और हजरत मूसा पर तौरात, हजरत दाऊद पर जबूर, हजरत ईसा पर इंजील और आखिरी नबी सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान, यक मतभेद धर्म ग्रंथों में कांट छांट और रद्दो बदल और ईमान व कुफर के साथ था, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों से हुआ। खाजिन यानी ये मतभेद नादानी से न था बल्कि, और जैसी यातनाएं उन पर गुजर चुकी अभी तक तुम्हें पेश न आई। यह आयत अहजाब की जंग के बारे में उतरी, जहां मुसलमानों को सर्दी और भूख वगैरह की सख्त तकलीफें पहुंची थीं। इस आयत में उन्हें सब्र का पाठ दिया गया और बताया गया कि अल्लाह की राह में तकलीफें सहना पहले से ही अल्लाह के खास बंदों की विशेषता रही है। अभी तो तुम्हें पहलों की सी यातनाएं पहुंची भी नहीं है। बुखारी शरीफ में हजरत खुबाब बिन अरत रदियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपनी चादरे मुबारक से तकिया लगाए तशरीफ फरमा थे। हमने हुजूर से अर्ज किया कि सरकार हमारे लिए क्यों दुआ नहीं फरमाते, हमारी क्यों मदद नहीं करते? फरमाया, तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए जाते थे, जमीन में गढ़ा खोदकर उसमें दबाए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाले जाते थे और लोहे की कंघियों से उनके गोश्त नोचे जाते थे, और इनमें की कोई मुसीबत उन्हें उनके दीन से रोक न सकती थी। यानी सख्ती इस चरम सीमा पर पहुंच गई कि उन उम्मतों के रसूल और उनके फरमानबरदार मुमिन भी मदद मांगने में जल्दी करने लगे, इसके बावजूद कि रसूल बड़े सब्र करने वाले होते हैं और उनके साथी भी, लेकिन बावजूद इन सख्त तरीन मुसीबतों के वो लोग अपने दीन पर कायम रहे और कोई मुसीबत और बला उनके हाल को बदल न सकी। इसके जवाब में उन्हें तसली दी गई और यह इरशाद हुआ। यह आयत अम्र बिन जमूह के जवाब में नाजिल हुई, जो बूढ़े आदमी थे और बड़े मालदार थे। उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें। इस आयत में उन्हें बता दिया गया कि जिस किस्म का और जिस कदर माल कम या ज्यादा खर्च करो उसमें सवाब है, और खर्च की मदें ये हैं।
आयत में नफल सदके का बयान है। माँ बाप को जकात और वाजिब सदका जैसे कि फितरा देना जायज नहीं। जुमल वगैरह, यह हर नेकी को आम है। माल का खर्च करना हो या और कुछ, और बाकी खर्च की मदे भी इसमें आ गई, उसकी जजा यानी बदला या इनाम अता फरमाएगा। जिहाद फर्ज है जब इसकी शर्तें पाई जाएं। अगर काफिर मुसलमानों के मुल्क पर चढ़ाई करें तो जिहाद अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, वरना फर्जे किफाया यानी एक के करने से सबका फर्ज अदा हो गया कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। तो तुम पर लाजिम है अल्लाह के हुक्म का पालन करो और उसी को बेहतर समझो, चाहे वह तुम्हारी अंतरात्मा पर भारी हो। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।